ये है मुकेश अंबानी का घर जो मुंबई के अल्टमाउंट रोड पर स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको इनके घर के अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, बल्कि भारत के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी का घर, कि मुकेश अंबानी जी मुंबई में कहां पर रहते हैं, उनका घर कैसा है। दोस्तों, आपको बता दें उनके घर का नाम है एंटीलिया हाउस और उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, उनका जो घर है ना, उस घर की कीमत है 15,000 करोड़ रुपए और वो 27 मंजिला इमारत है एंटीलिया हाउस। फिलहाल अभी हम महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़े बिलियनर्स का घर दिखाने जा रहे हैं जो अरबपतियों में गिने जाते हैं और जो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हम मुकेश अंबानी जी के घर के साथ साथ आपको उनका नेटवर्थ, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उनके घर की तरफ और पूरा ब्लॉग कंप्लीट शूट करके आपको दिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आप लोग फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप लोग ये जो चौक देख रहे हैं, इसी चौक के जस्ट बाजू में वहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर है। महालक्ष्मी मंदिर से आपको सीधा यही रोड पकड़ के आगे जाना है और आपको इसी चौक से एंटीलिया हाउस का नज़ारा दिखने लगेगा जो मुकेश अंबानी जी का घर है। आपको अभी हम दिखा रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे सीधा इस पोस्टर के बगल से उनका एंटीलिया हाउस यहीं से साफ दिखने लगा है। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर दूं, देखिए ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये वाली यही बिल्डिंग एंटीलिया हाउस है, मुकेश अंबानी जी का घर। तो चलिए थोड़ा सा करीब चलते हैं गाइज और आपको पूरा बेहतरीन तरीके से काफ़ी नज़दीक से इस एंटीलिया हाउस को हम कवर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको आना है तो आपको सबसे पहले महालक्ष्मी स्टेशन आना होगा। वहाँ से आप लोग हाजी अली के रोड के रास्ते से ऑटो से या टैक्सी से भी आ सकते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी पे है महालक्ष्मी मंदिर से, ये एंटीलिया हाउस की दूरी करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, वो एंटीलिया हाउस है। चलिए फिलहाल नज़दीक चलते हैं और आपको सब कुछ शूट करके बढ़िया से दिखाते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में यम कंट्री के एडन सिटी में हुआ था। आपको बता दें इनके पिता का नाम धीरू भाई अंबानी था और माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी, और इनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी है, और इनके एक भाई हैं जिनका नाम है अनिल अंबानी और वो अब इनसे अलग हो चुके हैं और वो भी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, और इनके पत्नी का नाम है नीता अंबानी। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है ईसा अंबानी और बेटे का नाम है आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अब मुकेश अंबानी अपने दोनों बेटों के साथ और अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहते हैं और इनकी बेटी की शादी हो चुकी है और इन्होंने अपनी बेटी की शादी में बहुत ही बड़ा बंगलो गिफ्ट किया है, उसका भी मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको मुकेश अंबानी के घर के अंदर का भी टूर कराऊंगा और इनके मेन गेट पर भी ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले इनके थोड़ा सा जीवनी के बारे में भी हम आपको बता दें। और इस वीडियो में हम आपको मुकेश अंबानी के घर के अंदर जो जो भी फीचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सबके बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा। दोस्तों, यहीं से आप लोग देख सकते हैं इस बिल्डिंग का पीछे का नज़ारा दिख रहा है और काफ़ी यूनिक है, सभी बिल्डिंगों से एकदम हटकर साफ तौर पे पता चल जाता है कि हाँ, ये किसी बड़े आदमी का घर है। जितने लोग जानते होंगे कि हाँ, यही एंटीलिया हाउस है मुकेश अंबानी का घर, तो देखिए यहाँ मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ, इनके पीछे हूँ, तो देखिए नीचे की जो बनावट है वो काफ़ी कमाल की है और इसमें संगमरमर और कई प्रकार के अलग अलग क्रिस्टल भी यूज किए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, जो इसके गुंबद हैं वो कितने पतले लग रहे हैं, लेकिन वो आपको पतले ज़रूर लग रहे होंगे लेकिन वो काफ़ी मजबूत हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा ऊपर तक मैं फ्लोर आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं सामने भी चलूँगा और इनके घर के सामने से भी नज़ारा दिखाऊँगा और अंदर का भी टूर कराऊँगा कि इनके घर में कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं और अंदर से इनका घर देखने में
कैसा लगता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये दुनिया के 8वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत के और एशिया के सबसे पहले यानी सबसे नंबर वन अमीर व्यक्ति हैं। तो इनका आशियाना यही है एंटिलिया हाउस। 2002 में जब धीरू भाई अंबानी यानी इनके पिताजी का निधन हुआ तो मुकेश अंबानी और इनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा शुरू हो गया। साल 2005 में कारोबार के बंटवारे के बाद मुकेश को विरासत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम मिला। मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के 10 अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल है। दुनिया का दूसरा और भारत के पहले और सबसे महंगे घर के मालिक भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का है। कई हाईटेक सुविधाओं से लैस इस घर का नाम एंटिलिया है, जो मुंबई में है। 27 मंजिला यह आलिशान इमारत 40,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस घर की अनुमानित कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए है। इस घर में 168 कारों के लिए 7 मंजिला गैराज है। इसके साथ ही इसमें एक स्टाइलिश स्विमिंग पूल, बाल रूम, 3 हेलीपैड, एक प्यारा सा मंदिर, गार्डन और 2 मंजिला हेल्थ सेंटर और 50 लोगों के लिए एक पर्सनल होम थिएटर भी है। आपको बता दें कि 15,000 करोड़ से तैयार हुआ एंटिलिया में 600 कर्मचारी काम करते हैं और इन सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है ना, वो किसी की 1 लाख तो किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, इस तरह से उनकी सैलरी मिलती है। एक सरकारी टॉप एग्जीक्यूटिव की जितनी सैलरी होती है उतनी इनके नौकर की सैलरी होती है। यहाँ का हर कर्मचारी का हर जरूरत आसानी से पूरा हो जाता है। यहाँ के कर्मचारी ऐसे रहते हैं जैसे 7 स्टार होटल में रह रहे हों। हर वह एनी टाइम एसी में रहते हैं। यह घर 27 मंजिला है और हर फ्लोर में एक बड़े बड़े हेड कर्मचारी रहते हैं और इनकी सैलरी के बारे में हर फ्लोर के एक मैनेजर को करीब 2 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। गाइस फाइनली हम मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं और अभी आपको पता होगा कि 15 अगस्त का यहां पर फेस्टिवल बीता हुआ है, जिसकी वजह से अंबानी के घर को बाहर से पूरा सजाया गया था। और ये देखिए 27 मंजिला इमारत कितनी भव्य लग रही है, नज़दीक से देखने में पूरी गर्दन ऊपर करके देखनी पड़ रही है। यहाँ पर कुछ फ्लोर तक पूरा ग्रीनरी लगाया गया है बाहर दीवालों पर और यही उनके घर का मेन गेट है, जहां पर देख सकते हैं आप लोग पूरी फोर्स खड़ी है। गार्ड तो गार्ड है, इसके अलावा पुलिस बल और फोर्स की भी तैनाती यहां पर की गई है। काफ़ी कड़ी सुरक्षा यहां पर रखी हुई है। देख सकते हैं आप लोग इस एंटिलिया हाउस का 2 गेट है। एक वाला गेट ये आप जो देख रहे हैं जहां पर गार्ड साहब खड़े हुए हैं, एक गेट पेड़ के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर तिरंगा लगा कर सजाया गया है। तो यही है एंटिलिया हाउस, जिसका लाजवाब नज़ारा लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, जिसमें भारत के बल्कि एशिया के और विश्व के 8वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी रहते हैं और जो हम लोग जियो सिम यूज करते हैं उसके मालिक भी यही हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो पूरा बाहर से ग्रीनरी लगाया गया है और आपको बता दें इनके हर गाड़ियों में बुलेट प्रूफ रहता है। जिस भी गाड़ी से ये चलते हैं ना उसमें बुलेट प्रूफ लगाया गया है। और ये बिल्डिंग आप लोग देखिए पूरा नीचे से ऊपर तक हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं एंटिलिया हाउस का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। मुकेश अंबानी के एंटिलिया हाउस को बनाने में लगभग 4 साल लगे थे। साल 2006 में एंटिलिया का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 2010 में समाप्त हुआ। एंटिलिया को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकारों द्वारा बनाया गया था। एंटिलिया के निर्माण के लिए अंबानी ने पर्किंस और विल और हिर्स वेडनर एसोसिएट्स जैसी इंटरनेशनल कंपनियों को काम पर रखा था। इन 2 प्रसिद्ध अमेरिकी आर्किटेक्चर कंपनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक निर्माण कंपनी लीटन कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी एंटिलिया के निर्माण का जिम्मा उठाया था। इसका निर्माण बी बिलोमोरिया एंड कंपनी लिमिटेड नामक एक भारतीय कंपनी द्वारा भी किया गया था। यानी इस घर को बनाने के लिए इंटरनेशनल से लेके इंडिया की मशहूर कंपनियों को बुलाया गया था। एंटिलिया हाउस में वो सारी लग्जरी चीज़ें मौजूद हैं जो मुंबई शहर में क्या बल्कि देश विदेशों में मिलती है।
इसके अलावा ऐसी कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जो अब तक भारत में कहीं भी नहीं है। एंटीलिया में एक प्राइवेट मूवी थिएटर है जहां लगभग 50 लोग बैठकर मूवी देख सकते हैं। इसके अलावा एंटीलिया में स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, जकूजी, डांस स्टूडियो और अलग से योगा सेंटर भी है। एंटीलिया में पर्सनल आइसक्रीम पार्लर की सुविधा मौजूद है। बता दें कि एंटीलिया में अंबानी फैमिली के लिए पर्सनल आइसक्रीम जो पार्लर है जहाँ पर देश विदेश की फेमस आइसक्रीम मिलती है। आप लोग बगल में एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें हम आपको इनसाइड पिक दिखाए हुए हैं कि घर के अंदर का जो इंटीरियर है वो कितना कमाल का है। और यहाँ पर देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और ये सजावट की गई है जहाँ पे इनका बेडरूम है और यहाँ पर नीता अंबानी जी खड़ी हैं। पीछे का आप लोग यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं, ये इनका प्यारा सा मंदिर है जहाँ पर हमेशा ये लोग परिवार के साथ पूजा करते हुए नज़र आती हैं। दीवारों पर अनेक प्रकार की पेंटिंग भी की गई है। तो गाइज ये सब नज़ारे आपको मैं इनके घर के अंदर का दिखाया हूँ। ये सारी चीज़ें इन्हीं के घर के अंदर की हैं, एंटीलिया हाउस की। मुकेश अंबानी के पास दुनिया की सबसे महंगी कारें भी हैं। इसके लिए एंटीलिया में कार पार्किंग की उपलब्धता ज़्यादा है। कार पार्किंग एंटीलिया में 6 फ्लोर पर है। वहीं 7वें फ्लोर पर इन कारों की मरम्मत के लिए कार सर्विस स्टेशन भी है। अगर अंबानी फैमिली की कोई भी कार खराब हो गई तो एंटीलिया के अंदर ही ठीक किया जाता है। इस कार पार्किंग में एक साथ 168 कारें खड़ी की जा सकती हैं। एंटीलिया में बहुत सारे लाउंज हैं जहां हर दिन पार्टी किया जाता है। साथ ही यहां बालरूम भी है जहां डांस कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीलिया में 600 सर्वेंट्स हैं जिनके बीच में दिन और रात के काम बटे हुए हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के इस आलीशान घर में 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स भी उपलब्ध हैं जो डिफरेंट फ्लोर तक ले जाते हैं। यह काफ़ी खूबसूरत ढंग से डिजाइन भी किए गए हैं जो काफ़ी सुपर फास्ट हैं। मुकेश अंबानी के इस घर के नाम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल एंटीलिया का नाम अंटार्कटिक महासागर में मौजूद एक द्वीप जो प्रेत द्वीप नाम से मशहूर है, इसी द्वीप के नाम पर रखा गया है। मुकेश अंबानी के घर का पता है एंटीलिया हाउस, अंबानी टावर, अल्टमाउंट रोड, कुंबला हिल, मुंबई 4000026। दोस्तों एंटीलिया की 27 मंजिलें लगभग 568 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई हैं, जिसमें प्रत्येक मंजिल में अतिरिक्त ऊंची छतें हैं। घर की कुछ मंजिलें कैंटिलीवर हैं और फिर भी हवेली इतनी मजबूत है कि रिक्टर पैमाने पर 8 के भूकंप का सामना आसानी से कर सकता है। एंटीलिया हाउस से पहले मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ परेड में पैतृक घर सी विंड्स में रहते थे। जब 2011 में ये एंटीलिया हाउस बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद उन्होंने गृह प्रवेश के बाद इस घर में रहना शुरू कर दिया। एंटीलिया के अंदर हर मंजिल एक दूसरे से यूनिक है और हर एक मंजिल के कमरों के लिए अलग अलग पैटर्न भी तैयार किया गया है। सभी मंजिलों में कीमती पत्थर, संगमरमर और मदर ऑफ पर्ल जैसी यूनिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। एंटीलिया में कोई भी दो मंजिल आपको एक जैसी नहीं देखने को मिलेगी। अगर वहीं पर मुकेश अंबानी की कार कलेक्शन की बात करें तो सबसे नया नाम आता है रोल्स रॉयस कुलिनन शामिल हुआ है जिसकी प्राइस है 13 करोड़ रुपए। वहीं पर अगला नाम मर्सिडीज में बैक 62 है जिसकी प्राइस है 5.15 करोड़ रुपए। वहीं पर मर्सिडीज और BMW के अलावा मुकेश अंबानी के गैराज में बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पूपर का नाम भी शामिल है। इस कार की कीमत है 3.69 करोड़ रुपए। और वहीं पर मुकेश अंबानी के गैराज में एस्टन मार्टिन रैपिडे कार मौजूद है। इस कार की कीमत है 3.88 करोड़ रुपए। अंबानी की कारों की लिस्ट में एक नाम BMW 760 Li का नाम भी शुमार है। सेफ्टी के लिहाज से परफेक्ट इस कार को बुलेट प्रूफ बनाया गया है और इस कार की कीमत 8.5 करोड़ रुपए है। दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार रोल्स रॉयस फैंटम भी मुकेश अंबानी के पास है। इस कार की कीमत 4 करोड़ रुपए है। इस कार को खरीदने वाला अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकता है। अंबानी के कार कलेक्शन में मर्सिडीज मेबैक
1660 गार्ड भी शामिल है। इस कार की कीमत है 4 करोड़ रुपए। वहीं पर अंबानी के पास रोल्स रॉयस फैंटम का कूप वर्जन हाफ्टहेड कूप भी शामिल है। इस कार की कीमत है 7.6 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये सभी कारें सुपर फास्ट कार हैं। अब अगर मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति के बारे में बात कर लें तो इनकी कुल संपत्ति 99.7 अरब डॉलर है। साल 2022 में अंबानी की संपत्ति में 9.69 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। उन्हें इस सूची में 8वां स्थान दिया गया है। तो दोस्तों ये है मुकेश अंबानी जी का घर, जहाँ पे अनेकों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस घर में बर्फ वाला घर भी है, जहां पर गर्मी में चिलचिलाती हुई धूप में अंबानी परिवार ठंड का आनंद उठाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इस घर में पूरा सब कुछ जो जो भी है उसके बारे में बता दिया है, और इस घर को बाहर से भी दिखा दिया है। फिलहाल अंदर का वीडियोज आपको पता होगा कि किसी के पास नहीं मिल सकता है। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही गाइज मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।